नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका। बड़ी खबरों में बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। इस बीच राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे, जहां महिला सांसदों, विधायकों, मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा SC वर्ग के सांसद, विधायक और मंत्रियों को भी बुलाया गया है। दरअसल पार्टी ने BJP महिला मोर्चा का विशेष अभियान की योजना बनाई है। वहीं अब महिलाओं को जागरूक करने का जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, जिसके जरिए महिला हॉस्टल और नए वोटर तक संपर्क किया जाएगा। बता दें कि पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास होने पर सम्मेलन करेगी। इसके अलावा BJP महिला मोर्चा जिलों में धन्यवाद मोदी सम्मेलन कराएगी और इसकी शुरुआत पश्चिमी यूपी से होगी। तो 2024 चुनाव को लेकर तमाम तरह की रणनीति बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अब नए वोटरों को साधने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि नए वोटरों को साधने की रणनीति बनाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, आज BJP की अहम बैठक होगी, जिसमें बताया जा रहा है कि नए वोटरों को साधने की रणनीति बनाई जाएगी और महिलाओं पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, हमने अगर बात की जाए जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उस पैड बनाने को देख रही है। ऐसे में प्रदेश मुख्यालय पे आज उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो महिलाएं, उनकी एक बैठक बुलाई गई है। तमाम प्रकार की कार्य योजनाएं जो है इस बैठक में तैयार की जाएगी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये नारी शक्ति अधिनियम की बात की जाए, महिला आरक्षण बिल की बात की जाए, तो जिस तरीके से लगातार काफ़ी लंबे अंतराल के बाद सबको इसका इंतजार था। बात की जाए तो 12 सितंबर 1996 को पहली बार इस बिल को पेश किया गया, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से ये बिल पास नहीं हो सका। आखिरकार नरेंद्र मोदी की सरकार में ये बिल पास हुआ और महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण जो है वो रिजर्व हो गया। अब बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश सम्मेलन योजना की पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बात की जाए तो जो नए वोटर है, जो महिलाएं हैं, जो 18 साल के उम्र के पास जो नए वोटर हो रहे हैं, खासतौर के महिलाओं में, उनसे पकड़ बनाने की भी तैयारी की जा रही है। इसके साथ साथ जो महिला हॉस्टल है वहाँ पे संपर्क बढ़ाया जाएगा। और जिस तरीके से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड की पार्टी है, हर एक मुद्दे को भुनाना चाहती है, तो इस मुद्दे को भुनाने के लिए भी तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। अगर बात की जाए तो SC वर्ग के जो अपने पदाधिकारी हैं, जो महिला पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तमाम प्रकार की योजनाएं बनाई जाएंगी कि किस प्रकार से इसको जो है वो जनता के बीच ले जाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए महिला आरक्षण बिल पे। जी विवेक, देखिए जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, अब ये भी कहा जा रहा है कि महिला सांसदों की भागीदारी भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में बढ़ाएगी और बताया जा रहा है कि 20 से 30% महिलाओं को इस बार टिकट दिया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जब आपकी सरकार महिलाओं के आरक्षण का बिल पास करती है, 33% आरक्षण का कोटा रखती है, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले बन जाती है कि महिलाओं की भागीदारी को अपने कैबिनेट में आप बढ़ाएं। देखा जाए जिस तरीके से अब तक कुल 78 महिला सांसद जो हैं वो इस समय हैं और इसको आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा भागीदारी इसमें देखने को मिलेगी। बात की जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब वहाँ महिला जो MP हैं, जो MLA हैं, उनकी संख्या में अब बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर जिस तरीके से बात की जाए तो SC वर्ग है, जो OBC वर्ग है, वहाँ से जो आम लोकसभा चुनाव में ऐसी बातें चल रही हैं कि कम से कम 25 से 30% वर्तमान में जो सांसद है उनका टिकट जो है वो कट सकता है। ऐसे में जब इन लोगों का अगर टिकट कटता है तो कहीं ना कहीं महिला सांसदों की भागीदारी जो है ज़्यादा होगी, महिलाओं को टिकट दिया जा सकता है, प्रेफरेंस दिया जा सकता है महिलाओं को। अगर दूसरी तरफ देखा जाए जिस तरीके से हमने देखा कि 40
लोकसभा चुनाव के 6-7 महीने पहले। अब ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो सांसद है उनके भी टिकट कट सकते हैं। और इसके पहले अगर बात की जाए तो जब एक बैठक हुई थी एनडीए की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था, तो साफ तौर पर सबसे कहा था कि कोई भी सांसद, कोई भी जो एमपी है, वो अपना टिकट कंफर्म जो है वो मत समझे। तो साफ ये बात है, दो टूक संदेश है कि कुछ जो एमपी है उनके टिकट कटने वाले हैं। हो सकता है कि जो एमपी के टिकट कटने वाले हैं वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी सुरक्षित की जाए। जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ सांसदों के टिकट कटने वाले हैं, जाहिर से बात है अगर महिलाओं को भागीदारी दी जा रही तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा, लेकिन जिन सांसदों का टिकट कट जाएगा तो इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए अगर बात की जाए तो क्या नुकसान होगा, नफा नुकसान की बातें जो रिजल्ट के बाद की जाती है। अभी लोकसभा चुनाव में 6-7 महीने का समय है और कुछ खास नुकसान होते हुए भारतीय जनता पार्टी को दिखते वाला नहीं है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी इन सांसदों को रिपीट करती तो नुकसान ज़्यादा हो सकता था। बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से पहले अपना एक इंटरनल सर्वे कराती है और इस इंटरनल सर्वे में जो सांसद जो सर्वे की रिपोर्ट आती है उसके हिसाब पर टिकट बढ़ते हैं। हर पार्टी अपने अपने सांसदों के लिए, अपने विधायकों के लिए, अपने क्षेत्र में इंटरनल सर्वे कराती है अपने नेताओं के लिए कि क्या पैठ उनके नेता की उनके क्षेत्र में है। ऐसे में जब जिला अध्यक्षों की बात की गई, जब सर्वे कराया गया तो तमाम ऐसे लोग थे जो उन जिलाध्यक्षों के कार्यशैली से खुश नहीं थे, उनको बदला गया। अब जिस तरीके से बातें की जा रही है कि साफ तौर पर कुछ ऐसे सांसद जिनका टिकट कर सकता है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता उनको पसंद नहीं कर रही है और हाईकमान तक ये बात भी पहुंच चुकी है, इसीलिए उनके टिकट जो है कटने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये अच्छी पहल होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कि इन सांसदों की जगह पर कुछ महिलाओं को, जो महिला नेता है उनको आगे ले जाए, उनको टिकट दे, उनकी भागीदारी से वो आगे बढ़े। अब बात की जाए जिस तरीके से अगर इनके टिकट नहीं कटते थे तो शायद भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता था, लेकिन खैर नफा नुकसान की जो बातें हैं वो रिजल्ट के बाद तय की जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महिला लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महिला कैंडिडेट लगाने वाली है। विवेक देखिए बताया जा रहा है कि मोदी धन्यवाद सम्मेलन का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, तो ये कौन सा कार्यक्रम है और कैसे पहुंचाया जाएगा जनता तक? और देखिए अगर बात की जाए तो धन्यवाद मोदी कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। ये सम्मेलन बाकायदा नारी शक्ति अधिनियम के लिए किया जा रहा है। जिस तरीके से 27 साल की लड़ाई के बाद कैबिनेट में ये प्रस्ताव मंजूर हुआ और 33% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया, ऐसे में बात की जाए तो धन्यवाद मोदी सम्मेलन कराया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जहां महिला जो नेता है भारतीय जनता पार्टी की, जो महिला सांसद है, जो महिला नेत्री है, जो महिला विधायक है, वो इससे बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 2 चुनाव में काफी अच्छा रहा था, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गढ़ माना जा सकता है किसान आंदोलन के बाद से भी। विधानसभा चुनाव में लगभग 93 सीटें जीती, इसके पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें वहां से जीत चुकी थी। तो सभी राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में अपनी पैठ बढ़ा रही है, अगर उस तरीके से देखा जाए तो तमाम ऐसी जगह है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नए नए अभियान शुरू कर रही है। उसी सिलसिले में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत धन्यवाद मोदी का भी सम्मेलन कराया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लखनऊ में महापौर की अध्यक्षता में नगर निगम की स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत आज बड़ी बैठक होगी। वहीं गांधी जयंती को लेकर बड़ा अभियान चलाया जाएगा जिसको लेकर भी मंथन होगा। इसी के साथ 1 घंटा स्वच्छता के लिए शासन ने निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम पर महापौर की अध्यक्षता में 2:00-3:00 बैठक होगी। तो बता दें कि 1 घंटा स्वच्छता के लिए अभियान चलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि गांधी जयंती पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत आज बड़ी बैठक की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, गांधी जयंती को लेकर बताया जा रहा है कि लखनऊ नगर निगम की तरफ से विशेष अभियान चलाए जाएंगे, वो कौन कौन से कार्यक्रम है?
देखिए नंदिनी, मैं आपको बताऊं कि महात्मा गांधी की 154वीं जयंती है, जिसके अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐलान किया है कि एक दिन एक समय और एक घंटा स्वच्छता सेवा दिया जाएगा, यानी सच्चे रूप से महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित होगी, वो स्वच्छांजलि के रूप में दी जाएगी। स्वच्छांजलि के रूप में किस तरह से दी जाएगी, वो एक घंटे का समय निर्धारित किया गया है, यानी 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सभी जो संगठन है उनको लेकर के साथ में, आम नागरिकों के साथ में, और जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या जो परिषदीय विद्यालय हैं उन विद्यालयों के माध्यम से प्रभात फेरी भी निकालने की बात कही जा रही है, जिससे एक जागरूकता भी आए श्रद्धांजलि को लेकर। इसके तहत विद्यालय के जो अध्यापक हैं और जो छात्र हैं उनको एक घंटे श्रमदान यानी स्वच्छता के ऊपर, जैसा कि महात्मा गांधी की जयंती के पूर्व संध्या पर ये कार्य किया जा रहा है, ये पूरे भारत में ये बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जितने भी नगरीय निकाय हैं उन निकायों में आज बैठक आहूत की जा रही है, और आज लखनऊ में लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल भी बैठक करेंगे और बैठक में इस चीज का जायजा लेंगी कि किस तरीके से स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी बात इसमें ये आ रही है कि स्वच्छता को लेकर के जिस तरह से लखनऊ में अभी हाल फिलहाल में फिटकरी हुई, उसको लेकर के अब लखनऊ के नगर आयुक्त और सुषमा खरकवाल जो मेयर हैं वो लगातार सजगता बनाई हुई है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद अब ये पूरा प्रदेश जगा है, यानी पूरा भारत जगा है, और जिस तरीके से कभी कोविड काल में आपने देखा होगा कि ताली और थाली और दीपक जला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौसला बढ़ाया था, उसी तरीके से महात्मा गांधी को स्वच्छ श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्वच्छांजलि का कार्यक्रम ला रहे हैं। जो हो सकता है कि कुछ साफ सफाई जो कहीं ना कहीं हमारी गली मोहल्लों में छूट जा रही वो हो सकती है, तो ऐसा कार्यक्रम ऐसे आयोजन के लिए आज बैठक की जा रही है। बैठक के बाद ये निष्कर्ष निकलेगा कि कौन कौन से संगठन, कौन से विद्यालय और कौन से अधिकारी कहां पर किस तरीके से स्वच्छता अभियान में शामिल हो पाएंगे। जी देखिए, जैसा कि आपने बताया कि अभी आज जो बैठक की जाएगी सुषमा खरकवाल की तरफ से, और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गड्ढा मुक्त अभियान चलाने का निर्देश भी दिया है, तो क्या कुछ लगता है इन सब चीजों को लेकर रणनीति बनाई जा सकती है क्या दिवाली के पहले सारे गड्ढा मुक्त अभियान को लेकर? देखिए नंदिनी, एक अलग बात है, गड्ढा मुक्ति अभियान तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया ही है, वो दीपावली के पहले की बात कही जा रही है, तो दीपावली के पहले जो भी जो भी गड्ढे खाई में है या सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क, उनको भरने की बात कही जा रही है। उस पर अधिकारियों को ये पेश कर से गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण है, NHAI है और नगर निगम, अभी इनकी केवल फाइलें तैयार हो रही है, इनके द्वारा अभी कहीं पर किसी भी जगह पर अभी रोड का जो है जो गड्ढे का भरा नहीं किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग का अकेला ऐसा विभाग है जो लगातार इस पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में अगर बात की जाए स्वच्छता को लेकर के, तो लखनऊ में जिस तरीके से राजधानी में स्वच्छता का एक जो मानक है वो कहीं ना कहीं नीचे गिरा है, उसको लेकर के अब ये खासा ये बैठक आज उस पर ही ज्यादा आहूत की गई कि जिस तरीके से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की 154वीं जयंती है और भारत के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि 1 घंटे का श्रमदान हो, तो ऐसे में कहीं पूरे लखनऊ में कहीं कूड़े का खदान ना देखने को मिल जाए, कहीं ऐसी गंदगियां ना रोड पर देखने को मिल जाए, ऐसे में नगर निगम के सभी कर्मचारियों के साथ बैठक होगी कि कोई ऐसी अगर जगह है तो उसको साफ स्वच्छ किया जाए, ताकि सोशल मीडिया के जरिए कहीं ऐसा संदेश ना पहुंचे कि राजधानी लखनऊ में भी अभी भी गंदगी का अंबार है। तो 1 घंटे श्रमदान होगा। रही बात गड्ढा मुक्ति अभियान की, उसके लिए मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है, जिस पर अभी कुछ विभाग केवल फाइलें बना रहे हैं और कुछ विभाग इस पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज सुषमा खरकवाल बैठक करें, इस बैठक में उनके अलावा और कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए आज नगर निगम के मुख्यालय में लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल वहां बैठक करेंगी, उस बैठक में कुछ पार्षद हो सकते हैं मौजूद, वहां पर नगर आयुक्त हो सकते हैं, अपर नगर आयुक्त हो सकते हैं, तो इस तरीके से नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, तो अपने अधिकारियों के साथ में वो बैठक करेंगे, और बैठक में ये निर्देश जरूर दिया जा सकता है स्वच्छता को लेकर के, कौन सी टीमें कहाँ पर रवाना होंगी, किन संगठनों को किन संस्थानों को साथ में लिया जा सकता है, किन परिषदीय विद्यालयों में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि जो परिषदीय विद्यालय हैं उनको 1 अक्टूबर को भी खोला जाए और उसमें से जो बच्चे हैं वो प्रभात फेरी निकालें, प्रभात फेरी के जरिए स्वच्छांजलि महात्मा गांधी को दी जाए, तो ऐसे में आज कई अधिकारी नगर निगम के जो बड़े आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे वहां पर, तो और इस पर चर्चा होगी कि आखिर 1 तारीख को किस तरीके से प्रभात फेरी निकाली जाएगी, तो उसका भी क्या कुछ रोड मैप तैयार किया जाएगा? देखिए आज सब उसी सब चीजों पे विद्यालयों को जिम्मेदारी दी गई है, बेसिक शिक्षा विभाग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है,
तो उसमें जो प्रिंसिपल होंगे, जो प्रधानाचार्य होंगे, वो अपने अपने रूट को तय करेंगे। हालांकि नगर निगम अपने अधिकारियों से इस विषय पर आज चर्चा करेगा कि साफ स्वच्छता को लेकर के कहीं पर कोई कमी न रह जाए, तो इसके लिए आज ये बैठक अहम मानी जा रही है। और प्रभात फेरी सुबह की बात है, वो विद्यालय और विद्यालय का काम है, यानी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत में आता है, तो जिस पर मुख्यमंत्री का आदेश है वो सुबह विद्यालय के बच्चों के साथ है और जो शिक्षक है टीचर्स उनके साथ है, प्रभात फेरी निकालने की बात कह रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मई से 30 सितंबर के बीच 2000 के नोट बदल लिए जाने का मौका दिया था और अब वो दिन आ गया है जब लोग बैंकों में जाकर अपने 2000 के नोट बदल सकते हैं। तो वहीं आरबीआई ने 1 सितंबर 2023 को एक बयान में बताया है कि बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 31 अगस्त 2023 तक चलन से वापस लिए गए 2000 रुपए के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.32 लाख करोड़ रुपए है। 31 अगस्त को कारोबार बंद होने तक 24,000 करोड़ के 2000 के बैंक नोट अभी भी सर्कुलेशन में थे। इस प्रकार 19 मई 2023 तक चलन में मौजूद 2000 के बैंक नोटों में 93% वापस आ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ओवैस हो चुके हैं। ओवैस, देखिए आज 2000 के नोट बदलने का आखिरी दिन है, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है लखनऊ में? बाजार के नोट मार्केट में चलन में नहीं रहेंगे अब। उसके बाद जो है सरकार ने ये आदेश दिया था कि 2000 के जो नोट हैं उनको बैंकों में जमा किया जाए, जिसके बाद लगातार जो है 2000 के नोट बैंकों में जमा किए जा रहे थे। 30 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट थी और लास्ट डेट आज आ चुकी है। लगभग 93% जो 2000 के नोट हैं उनको जो है वो बैंकों में जमा किया जा चुका है। जी ओवैस, लखनऊ में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, जिस तरीके से क्या आज बैंक खुले हैं या बंद हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि आज सैटरडे है, सैटरडे के दिन जो है आज बैंक का हाफ डे होता है, आधे दिन से बैंक खुला होता है। तमाम जो लोग हैं जिनके नोट अभी कुछ रह गए हैं वो बैंकों में जा रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो बैंक में नोट जमा करा रहे हैं और आज अभी तक जो आंकड़े हैं वो 93% के हैं और आज के बाद जो आंकड़े आएंगे वो तय करेगा कि कितने परसेंट नोट जो है वो 2000 के वो जमा हो चुके हैं। फिलहाल बैंकों के अंदर अभी आज की आखिरी डेट है, आज के बाद यानी कल जो है कल से नोट बंद जो वापस होना है वो बंद हो जाएंगे। तो फिलहाल आज जो बैंकों में जो लोग हैं वो नोट जमा करने लगातार आ रहे हैं, बैंकों के जो कर्मचारी हैं वो भी नोट जमा कर रहे हैं क्योंकि आज सैटरडे है, सैटरडे के दिन जो है आज आधे दिन से बैंक बंद हो जाता है और कल के बाद अब देखना होगा कि कितने नोट जमा होते हैं, कितने नोट आते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी जब पूरा आंकड़ा सामने आएगा। जी देखिए आरबीआई की तरफ से बिल्कुल सख्ती में कहा गया था कि आज के बाद फिर नोट नहीं वापस लिए जाएंगे, तो यानी कि जनता के पास आज का दिन बस आखिरी मौका है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दूं कि जनता के दिन आज का आखिरी मौका है जनता के पास, क्योंकि आज पहले से ही ये तारीख तय कर दी गई थी कि 30 सितंबर के बाद जो नोट है वो नहीं बदले जाएंगे, तो काफी समय दिया गया था, लगभग 3 महीने का समय आपको बता दूं हो गया था। इस समय में जो लोग हैं वो आराम से नोट बदल सकते थे और जो नोट हैं वो भी मैक्सिमम जो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम नोट बैंकों के अंदर वो जमा भी हो चुके हैं। तो ये आज बिल्कुल सही बात है कि आज जो है आखिरी समय है और पहले से टाइम भी दे दिया गया था इसमें 3 महीने का, तो 3 महीने के समय के बाद अब जो नोट है वो आज की जो डेट है वो आखिरी डेट है, उस डेट में जो है लगातार लोग नोट जमा कर रहे हैं और आज के बाद मैं आपको बता दूं कि आज के बाद ये नोट बदलने का जो सिलसिला है वो खत्म हो जाएगा और 2000 के नोट जो है वो मार्केट के चलन में खत्म हो जाएंगे, यानी आज आखिरी दिन है, आखिरी आज के बाद जो 2000 के नोट हैं वो आ जाएंगे और जहां तक देखा जाए तो मैक्सिमम 2000 के नोट आ चुके हैं। 7% जो नोट हैं 7% उनकी जो है हो सकता है आज भरपाई हो जाए, बैंकों में जो बचे कुचे नोट हैं 7% में वो भी हो सकता है कि आज जो है बैंक में जमा हो जाए। फिलहाल 93% जो नोट हैं वो लगातार जो है बैंक में जमा होकर आ चुके हैं और आज बैंक का आखिरी दिन है जी जमा होने का। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओवैस। तो बता दें कि 2000 के नोट बदलने का आज आखिरी दिन है, नोट बदली का आखिरी दिन है। बताया जा रहा है कि 2000 के बैंक नोटों में 93% वापस आ गए हैं और आज जनता के पास आखिरी मौका है।
आज के लिए इन बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।